नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले दो पूर्वी चंपारण के अपराधी हुए गिरफ्तार। विदेश से मोहन सिंह की रिपोर्ट। साठी पुलिस ने एटीएम से पैसा निकालने वाले गिरोह के दो अपराधियों को एक लोडेड कट्टा, चोरी की एक मोटरसाइकिल एवं करीब एक दर्जन एटीएम कार्ड के साथ धर दबोचा। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत नमी चौक स्थित एटीएम के पास अपाची मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए हैं। साथ ही उनके पास अवैध हथियार भी है। पुलिस अधीक्षक ने सूचना के आलोक नरकटियागंज एसडीपीओ कुंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध कर्मी दिलीप कुमार यादव उम्र 19 वर्ष, पिता जंगी राय ग्राम झिटकहिया थाना आदापुर एवं पवन कुमार उम्र 20 वर्ष, पिता मोकिल प्रसाद ग्राम कुरमिनिया थाना महुआ दोनों जिला पूर्वी चंपारण को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल एवं 10 विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किया। इसके अलावा पुलिस ने इनके पास से चोरी की एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया। इस संबंध में साठी थाना कांड संख्या 176/22 दर्ज कर जेल भेज दिया है। गठित टीम में शिकारपुर अंचल पुलिस निरीक्षक ग्राम अश्रय यादव, साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार, पूर्णी अरविंद कुमार सिंह आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया।